हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं शिवम और आप सभी का स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा कमाल के अपडेट्स लेकर आए। अपडेट्स है रिलेटेड टू आमिर माजिद, जानू स्टंट, सोर्स अनुराग धोबल यानी कि UP07 राइडर के रिलेटेड। तो जल्द से वीडियो स्टार्ट कर दो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रहा सब्सक्राइब कर दो। तो अभी फिलहाल सबसे बड़ी अपडेट की बात कर ले, सबसे पहले हम बात करेंगे जानू स्टंट की, मोटो व्लॉगर जानू स्टंट। जैसे कि कुछ दिन पहले वो अपनी कार पर निकले थे संडे को, इस बार संडे को मतलब मैक्सिमम टाइम पे रेस्ट ही करते हैं, उस दिन राइड वगैरह पे नहीं जाते हैं, तो इसलिए गाड़ी में गए थे मानिक अत्री व्लॉग्स और अपने दूसरे दोस्त के साथ। तो साथ ही में वहाँ पे जब वो सिद्रा में थे उनको काफ़ी ज़्यादा राइडर्स मिल गए, राइडर्स ने उनको घेर दिया और उन्होंने कहा कि हमको स्टंट्स देखने ही वो। तो जानू स्टंट्स का कोई भी मूड नहीं था स्टंट वगैरह मारने का। फिर उनने एक राइडर ने अपनी बाइक दी उनको और उनको व्हीली मारने को कहा, तो जब वो व्हीली मार रहे थे तो व्हीली मारते उनका क्रैश हो गया। तो अच्छी बात यह है कि उनकी मतलब बिल्कुल ठीक है जानू स्टंट्स, क्योंकि उन्होंने हेलमेट पहन दिया था व्हीली मारते वक्त, क्योंकि उनका सर काफ़ी ज़ोर से बचा था। तो फिर बाइक थोड़ी सी साइड से टूटी वगैरह, इंडिकेटर वगैरह टूटे, बट ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। बट बात यहीं पे ख़त्म नहीं हुई, उसके बाद जानू स्टंट्स अपनी कार में वहाँ से वापस चले गए, क्योंकि उनका उनका पहले से मूड नहीं था स्टंट वगैरह मारने का। तो वहाँ से जब वापस गए तो उसी दिन जो राइडर्स की बाइक का छोटा सा क्रैश हुआ, तो वो वापस जब जा रहे थे तो वहीं सिद्रा पे लीन करते हुए वो रोड से साइड पे नाली में जाके गिर गए। जब वो नाली में जाके गिरे बाइक को फिर से हल्की सी थोड़ी सी स्क्रैचेस वगैरह पड़े, बट दोनों राइडर्स सेफ थे। फिर यहाँ पे बात खत्म नहीं हुई, फिर वहीं पे वो दो राइडर जानू स्टंट नहीं, जानू स्टंट तो गाड़ी में चले गए थे जिनकी बाइक थी, और दूसरा राइडर जो उसके साथ था वो वापस जब वहाँ पे दूसरे बंदे को बता रहे थे कि ऐसे ऐसे क्रैश हुआ, ऐसे बाइक नीचे की, उतनी ही देर में एक कार आती है जिसका टायर फट जाता है और उसको मतलब ट्रक से बिल्कुल थोड़ा सा टच होकर वो बिल्कुल साइड से टेढ़ी हो जाती है और सीधा उन राइडर्स के ऊपर आ जाती है। तो मतलब कि राइडर मरते मरते बचते हैं। तो इस बार फिर से मैं बता दूँ, राइडर्स बिल्कुल सेफ, वो जो कार में लोग आंटी वगैरह थे वो भी बिल्कुल सेफ थे। तो अच्छी बात है किसी को लगी नहीं, बट एक्सीडेंट इतना ख़तरनाक था कि लगता नहीं था कि वो राइडर बचेंगे, क्योंकि वो ऐसे देख रहे थे तब तक पीछे से कार आ जाती है और वो सब कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है, आप साइड पर देख सकते हैं। तो और बाकी काफ़ी लोगों को लग रहा था जानू स्टंट है राइडर, बट वो जानू स्टंट नहीं थे, वो वही राइडर थे जिनकी बाइक वगैरह थी और वो दूसरे लड़के को दिखा रहे थे। बट अच्छी बात है कि वो बिल्कुल सेफ है। अब वहीं पे हम UP07 राइडर की बात कर लेते, जैसे कि बाबू भैया ने कहा था कि 4 मिलियन पे उनकी न्यू मस्टैंग GT आएगी, जैसन ने प्रॉमिस करा था उनकी न्यू कार आ चुकी है। तो कार देख सकते हैं, इसका रैप वगैरह काफ़ी ज़्यादा कूल लग रहा है, नियॉन कलर मतलब काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहा है। तो ये वाली वीडियो जो कार वाली है वो उनको नेक्स्ट व्लॉग में दिख जाएगी, अभी उनको ये वाला व्लॉग नहीं है, बट जल्दी आपको देखने पे मिल जाएगा UP07 राइडर के, आज ही चैनल पे ये वाला व्लॉग आने वाला है जिसमें वो अपनी कार रिवील करने वाले हैं। वहीं पे अब आमिर माजिद की बात कर ले, आमिर माजिद श्रीनगर पहुंच चुके हैं और अभी वो पहलगाम में और बेताब वैली में अपने नेक्स्ट सॉन्ग को लेकर शूट कर रहे हैं। ये वाला सॉन्ग काफ़ी बढ़िया आने वाले हैं MC शेख के साथ, आयरा के साथ। तो 3 सॉन्ग आएंगे जो कि आएंगे जनवरी से मई के बीच में, तीनों सॉन्ग रिलीज़ होंगे, तीनों सॉन्ग की प्रोफेशनल वाली शूटिंग हो रही है और सॉन्ग तबाही देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे आमिर माजिद की कार भी देखने को मिल सकती है कुछ टाइम बाद, जो कि लैला जो कि ठीक होने के लिए दी थी, और उस पर मतलब न्यू लुक उसका बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा उनके फैंस को। तो ये काफ़ी ज़्यादा खुशखबरी है, काफ़ी ज़्यादा लोग अभी कश्मीर मीटअप का वेट कर रहे हैं, बट अभी आमिर माजिद बिजी अपने सॉन्ग की शूटिंग को लेकर, दो सॉन्ग के शूट हो चुके हैं, अभी एक सॉन्ग का शूट और हो सकता है, तो उसमें 1-2 दिन लग सकते हैं। बाकी पूरी डायरेक्टर वगैरह प्रोड्यूसर वगैरह की पूरी टीम है, मेकअप आर्टिस्ट वगैरह, तो ये वाला सॉन्ग प्रोफेशनल तरीके से शूट हो रहा है। वहीं पर बात करें लोग जैसे कि वेट कर रहे हैं कब कश्मीर मीटअप होगा, तो जैसे कि पुंछ में भी सीन हो गया था, बाद में पुलिस वगैरह आ गई थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ वगैरह मच जाती है। तो आमिर माजिद प्लान कर रहे हैं कि ये वाला जो मीटअप रखेंगे किसी बड़े से हॉल में रखते हैं, और जहाँ पे वो सॉन्ग वगैरह भी गा सकते हैं, अपना रैप वगैरह भी करें और लोगों से आराम से मिलें, ताकि दूसरे लोगों को डिस्टर्ब ना हो जिसकी वजह से पुलिस वगैरह ना आए। तो ये वाला मीटअप देखने को मिलेगा, अभी वेन्यू और डेट डिसाइडेड नहीं है, जैसे ही डिसाइडेड होगी उसका अपडेट आपको मिल जाएगा। और यही था इस सब वीडियो में, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब।